इतना रात ना कल रात का भाई आन नहीं पाया। रात ना 12:30-2 बजे तक बाट देखी, रात का प्रोग्राम था 2 बजे तक रात ना प्रोग्राम था यू, लेकिन प्रोग्राम में इतने हो रहे दसी गया को अटेंड नहीं कर पाया। सबने कह दिया वीडियो डाल दे के भाई गांव गला एक एक प्रोग्राम करो, लेकिन प्रोग्राम में इतने आ रहे हैं भाई साहब पूरे नहीं होने लग रहे। राम राम जी सारा नमा उथरी गिल प्रीति को उथर। फिलहाल भी मैं नारनोद हल्के के गांव खेड़ी जालप में मौजूद हूं और जस्सी पेटवाड़ का जो प्रोग्राम आड़ा करवा रखा, अभी कुछ ही मिनटों में जस्सी पेटवाड़ा जो गांव खेड़ी जालब में पहुंचने वाले हैं, तो एक कुछ माहौल है जो खेड़ी जालब में बन रहा है। तो आज भी अपने के लिए तब राम राम। राम राम अभी ठीक सो? हाँ ठीक सर। नाम क्या था? नाम धर्मवीर। गांव अपना खेड़ी जालब। खेड़ी जालब। तो क्या कहना चाहोगे जस्सी पेटवाड़ा आने लग रहे हैं? पलम तो तारा दर्शकों को सारे को मेरी प्रणाम बेबी। अच्छा हाँ जी, तवीब रखो आपके विचार। हाँ बे, हमारे विचार यह है एक तो सरकार बदल दी रहो तो सारा आम जनता का फायदा हो, एक तो यो विचार मेरा तो है कि नहीं? हाँ। नहीं एक तो बने जाओ तो फिर तो एक बार मनोहर लाल खट्टर साहब ने भी कही थी बुलाया तो बाप बन जे है। हाँ अच्छा, एक तो पहले मेरा विचार यू से, एक ईमानदार है लड़का, बहुत बढ़िया लड़का है, बड़ा हाँ जस्सी पेटवाड़। मैं ईमानदार लड़के की मेहनत के ऊपर कुर्बान हाँ, खूब मन लगा के हम इसको जीत काट के देवे मर गाँव में। तीसरा विचार? तीसरा नहीं बस दो और बतेरे से दो थोड़े होगी, मम्मी जीत आए जाएंगे थी। किस प्रकार की जीत होगी? बहुत बढ़िया जीत होगी मर गाँव में, एक लहर बढ़ रही है। हाँ जो पूरी लहर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम क्या है जी? सत्यवान जी। अच्छा, गांव अपना खेड़ी जालब। खेड़ी जालब जी। क्या कहना चाहोगे जस्सी पेटवाड़ आने लग रही, लोगों में लहर बन रही जस्सी पेटवाड़ नाम की? बस इसकी तो टिकटे की बात थी, जीत तो पहले औपचारिकता बाकी है, औपचारिकता ही बाकी है बस इम तो। हाँ ईसा छवि का आदमी नरवाना हल्का में, इसमें नरुंद हल्का में नहीं देखा है, ये दिलों की युवा दिलों की धड़कन है। लेकिन आड़ा तो बुजुर्ग भी इकट्ठे हो रहे हैं, ये सारे सारे महिलाएं भी देख छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, ये देख छोटे छोटे बच्चे देखियो, ये भी जस्सी मैं भी जस्सी सारे जस्सी हो रहे हो तो। एक छोटे छोटे बालका में भी एक लहर बन रही जस्सी नाम, ये तो टोपी पहरे पहरे भी सीता था कहले। अच्छा इतना जोश है? हां सपने भी जस्सी के आन लग गए। हाँ तो फिर क्या कुछ उम्मीद है जस्सी से? जस्सी से यही उम्मीद है कि युवा है और अच्छे काम करेगा। और कैप्टन अभिमन्यु ने क्या कुछ काम करे? कैप्टन अभिमन्यु ने सार्वजनिक काम करे, लेकिन इसके जो पब्लिक डीलिंग थी वह ले बैठी इसने, बाकी भाई साहब ने कह दिया कि सरकार बदलती रहोगी तो अच्छा रहोगा। और दादा गौतम ने? दादा गौतम तो किकर तड़पाया है। हाँ उसका कुछ नहीं, उसका तो एक बयान था गवाना का, निबला चाहे तो मेरे तो वोट दे दियो नहीं तारा बीज नाश होगा, ये बात है बीज मर रहेगा। एक देखो ऐसे लीडरों के बयान आना मतलब कितने किस हद तक सही है देखो, ये उसका नेगेटिव पॉइंट है ये। हाँ अगर समझदार सा होगा तो उसकी वोट देवे को नहीं, अगर कोई पौवा में बेकागा तो फिर दादा बहुत गौतम की गेड़ क्या होगा। एक नारनोंद हल्के की जनता में जो लहर बन रही जस्सी पेटवाड़ का नाम की, देखो नारनोंद हल्के की जनता का चाह करके बना और फिर वो अपने वायदा से पलट जावे, ऐसा तो नहीं ना? ऐसा को नहीं, मतलब उम्मीद उम्मीद पूरी पूरी है ना? इस तो घनी उम्मीद है पलटे को नहीं जमा। हाँ 3:30 बजे आया था, लोग बाट देखे तो कोई से आवे है, रात के 3:30 बजे भी आया हूँ और लोग भी इतनी थी कि इतने तो बस पूछो ना। एक और बात सुनो माई की, खेड़ी चल तो 5 बजे गया सवेरे, 5 के कदे 7 बजे गयो जी। अच्छा हाँ तो अपना प्रोग्राम में नहीं अटेंड कर पा रहे? हाँ प्रोग्राम हमारा रात का 6 बजे प्रोग्राम था, 2 बजे तो हमें उठ के आए थे, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया था तो इसलिए प्रोग्राम ही दिया है। हाँ 2 बजे उठ के आ गए तो 3:30 बजे एक दूसरा प्रोग्राम था उसमें थे। हाँ तो अपना कौन सी जगह है यार? ये है समारोह वाला मोहल्ला। हाँ पूरा समाज में पूरा समाज का समर्थन है इसमें, चमार चमार कौन सारी जातना के है इसमें। अच्छा खेड़ी जालब में क्या कुछ माहौल है? खेड़ी जालब में 1500+ से जीत है इसकी। वोट कितने का अपना है? वोट है इसमें 4,000 है। 4,000 5,000 मिल नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम क्या जी? सोनू नाम है जी। तो क्या कहना चाहोगे जस्सी पेटवाड़ा आने लगे? जस्सी पेटवाड़ की एक तरफा जीत है बिल्कुल, लगा 15,500 वोट है, 4,500 में था 1500 से ऊपर की जीत होगी जस्सी की, 1500 से ज्यादा वोट जीतेगा जस्सी। एक अच्छी लीड एक अच्छी गेनू लगा ले, एक तरफा मोल बना रखा है पूरा गाँव में।
टक्कर लग गई किसी के साथ? टक्कर तो रही है मुनी, टक्कर गए 50,000 तो ऊपर की जीत सा अनुका ने 52 साल का सुखा 52,000 तो ऊपर तो जीत गया जसी अल कम था है। जो नेगेटिविटी फैलाने लग रहे हैं अनुका माहौल है जो मतलब कम हो गया जसी का माहौल जमाने कम हो रहा कौन को है बता दे लाइव देख ले देख कितने माहौल है अरे बाबा फिर देख लिए इतना रात ना कल रात का भाई आन नहीं पाया रात ना 12:30-2 बजे तक बाट देखी रात का प्रोग्राम था 2 बजे तक रात ना प्रोग्राम था यू लेकिन प्रोग्राम में इतने हो रहे हैं जसी गया को अटेंड नहीं कर पा रहा सब ने कह दिया वीडियो डाल दे भाई गांव गला एक एक प्रोग्राम करो लेकिन प्रोग्राम में इतने आ रहे हैं भाई साहब पूरे नहीं होने लग रहे। पीछे देर रात हमने जो एक प्रोग्राम कवर करा था कई पन्ने के लोग जो इकट्ठे हो रहे थे कह रहे थे कि प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पा रहे तो हमने सोचा कि सारे इकट्ठे मिलकर कर। हाँ फिर यह बात हुआ कहूँ मैं प्रोग्राम में अटेंड नहीं हो रही इतने प्रोग्राम है ई भी आ रहे हैं देख ले ब्राह्मण भी है चुमार भी है धानक भी है सारे जातेंगे सर्व समाज के सारे आ रहे हैं यहाँ पर लोग पूरा समाज इकट्ठा हो रहा है पूरा समाज ने पूरा गाँव में नहीं एक तरफा माहौल बना रहा है एक तरफा जीत है जस्सी पेटवाड़ी जो मैंने निकल जी ठीक है। तो भाई और भी दादाताऊ और मौजूद हैं अंदर उनसे भी उनकी राय ले ला और युवा भी मौजूद है तो इनसे भी इनकी राम राम जी राम राम जी नाम क्या जी राम मोहन नाम है जी राम मोहन जी तो क्या कहना चाहोगे जस्सी पेटवाड़ा आने लग रही किस प्रकार का स्वागत होगा एक तरफा माहौल है जी सारा गाँव मैंने 2,000 वोटा तो जीत है जस्सी की और दूसरी बात कल मैंने एक यूट्यूब पर सर्वे डाल दे हैं वो सर्वे देखा था उसके अंदर मतलब 7,000 वोटर थे मतलब जो आपका वोट डालना है आपके मन मर्जी के अकॉर्डिंग तो उसके अंदर देखा मैंने 100% से में से 69% तो जस्सी पेटवाड़ को उसके अंदर ये डाल रखा था कि अब की बार नानू हल्के की जनता किसको विधानसभा पहुँचाना चाहती है उसके अंदर 69% जस्सी पेटवाड़ था 5% कैप्टन अभिमन्यु और 3% था ये उमेद लोहान और 2% के अंदर ये आ गया था रणबीर लोहान अपना 1% में सारे अदर आ गए इसका दुष्यंत ये कोई नहीं जी इसका मौल कोई मौल नहीं जी इसका 0% ये तो ऐसे गई मतलब ये पार्टी जस जननायक जनता पार्टी तो जैसे मतलब भेड़ों के सिर पे से सींग गए थे ऐसा काम हो गया जी। तो आने वाली 5 तारीख के लिए क्या बोलोगे आने वाली 5 तारीख को ये देखो जी मतलब फुल मतदान होगा और दूसरी बात कांग्रेस है नहीं फुल बहुमत 70+ से आने लग रही सरकार और 8 तारीख को मतलब पूरा बिगुल के साथ से बिगुल के साथ ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस के कार्यकाल में दोबारा से सीएम बनने की शपथ लेने जा रहे हैं। ठीक है तो भी बातचीत करी है और अभी जो जस्सी पेटवाड़ा गांव खेड़ी जालम में है जो अभी कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं तो बातचीत करी है तो पूरा समाज है इकट्ठा हो रहा है तो आपकी क्या राय इस वीडियो के प्रति आपने आपकी राय भी है जो सब कमेंट के जरिए जरूर रखनी है और नारनूंद में आप कौन सा चेहरा देखना चाहो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया।